अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का, सिल्वर चार्टिस्ट की भी ये बुक है, तो वहाँ से ये हम चैप्टर तैयार करेंगे इंशाल्लाह। कोशिश ये करेंगे कि हमारी पूरी बुक जो है इसी से तैयार हो जाए। तो कुछ चैप्टर्स की मैं वीडियोस बना लूँगा, जिनके नाम बना सकूँ वो आप लोग खुद तैयार कर लीजिएगा। टाइम का मसला होता है, बस का टाइम बहुत ज़्यादा मैं बिज़ी होता हूँ, उस वजह से सब चैप्टर्स की वीडियो तो मैं नहीं बना सकूँगा, लेकिन कुछ चैप्टर्स की इंशाल्लाह वीडियो बनाऊँगा। चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें जो हमें टॉपिक कवर करने हैं वो है व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम डू, कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर। ये कंप्लीट लिस्ट है, इसे हम पढ़ने के बजाय हम नेक्स्ट अपनी स्लाइड की तरफ ही चले जाते हैं। तो पहले स्लाइड है व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की जो डेफिनेशन है वो आप लोगों को पता है कि ऐसा प्रोग्राम जो यूज़र जो कंप्यूटर का यूज़र है और कंप्यूटर हार्डवेयर के दरमियान बतौर इंटरमीडिएट काम करे उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है, क्या इसका गोल होता है? इसका काम ये होता है कि ये तमाम यूज़र प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करेगा और जो यूज़र को प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको सॉल्व करेगा। इसी तरह से कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ के लिए कन्वीनियंट बनाएगा कि आप उसे आसानी से इस्तेमाल कर सकें, हार्डवेयर को हम आसानी से इस्तेमाल कर सकें और जो हार्डवेयर है उसको एफिशिएंट मैनर के अंदर यूज़ किया जा सके, कंप्यूटर के हार्डवेयर को हम बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकें। तो ये सारा काम कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हम कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर की बात करें तो चार हिस्सों में ये मुश्तमिल होता है। सबसे पहले आता है हार्डवेयर। हार्डवेयर आपके वो तमाम बेसिक कंप्यूटिंग रिसोर्सेज होते हैं जिसमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेज आ जाते हैं, सीपीयू आ जाता है, आपका मेमोरी आ जाता है, आपका सिस्टम यूनिट आ जाता है, आपके बाकी जो डिवाइसेज जो कंप्यूटर के साथ अटैच होते हैं वो सारे हार्डवेयर के अंदर शामिल होते हैं। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर लें तो ये आपके हार्डवेयर को मैनेज करता है, यूज़र एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ एप्लीकेशन मुख्तलिफ सिस्टम सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए ये जो है हार्डवेयर को मैनेज करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा, कंट्रोल करेगा ताकि यूज़र जो है उसे आसानी से इस्तेमाल कर सके। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम काम होता है। इसके बाद एप्लीकेशन प्रोग्राम ऐसे तरीके या ऐसे वे जिनके ज़रिए सिस्टम रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया जाए ताकि आपकी जो कंप्यूटिंग की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो यूज़र से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, यूज़र जो काम करना चाह रहे हैं कंप्यूटर के ऊपर, तो उसके लिए ये सारा हम काम जो है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम करेंगे। तो सिस्टम रिसोर्सेज को इस काबिल बना देना कि यूज़र प्रॉब्लम्स को, यूज़र की कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें, ये एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं। जिसमें जैसे एग्जांपल आपको दी हुई है, आपका वर्ड प्रोसेसर है, वेब ब्राउज़र है, डेटाबेस सिस्टम है, वीडियो गेम्स हैं। उसके बाद यूज़र्स आ जाते हैं, यूज़र्स जो हैं आपके पीपल आ जाते हैं, मशीन आ जाती है और अदर कंप्यूटर्स आ जाते हैं, ये सारे यूज़र्स के हिस्से हैं। उसके बाद फोर कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो यूज़र हैं आपके पास, उसके बाद सिस्टम एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आ जाते हैं जिसमें कंपाइलर है, असेंबलर है, टेक्स्ट एडिटर है, डेटाबेस सिस्टम है, तो ये सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम है। उसके नीचे ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है जो इन सबको मैनेज कर रहा होता है और उसके आखिर में हमारे पास कंप्यूटर हार्डवेयर आ जाता है। तो ये चार कंपोनेंट्स थे जिसको हमने पहले भी जिक्र किया, अब ये उसकी एक डायग्राम शक्ल में समझाया हुआ है। व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम डू, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर सकता है, ये डिपेंड करता है व्यू, आप किस व्यू से आप कंप्यूटर को देख रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को देख रहे हैं। अगर आप यूज़र के हवाले से देखें तो यूज़र के हवाले से यूज़र को कन्वीनियंस देना, आसानी से इस्तेमाल कर सके, परफॉर्मेंस को बेहतर से बेहतर किया जा सके, रिसोर्स यूटिलाइजेशन किस तरह से हो रही हो, यूज़र को इससे कोई आइडिया ना हो लेकिन सारा कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम संभाल रहा हो, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम ये होता है कि यूज़र के जितने भी काम हैं उसको आसान से आसान बनाना, यूज़र कि जो भी कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करना, यूज़र को कोई परेशानी ना हो उनको सॉल्व करने में। अब इसके लिए जैसे मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर हैं, ये शेयर्ड कंप्यूटर हैं, ये तमाम यूज़र्स को खुश रखते हैं, मतलब तमाम यूज़र जो भी इसके साथ कनेक्ट होंगे, हैवी सिस्टम्स हैं तो उन यूज़र्स को किसी किस्म की जो भी कंप्यूटिंग प्रॉब्लम आएगी ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम इन मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर के ऊपर सॉल्व करेंगे। इस तरह से वर्क स्टेशन में भी ऐसे होते हैं, डेडिकेटेड रिसोर्सेज होते हैं और उनको किस तरह से आपने यूज़ करना है, ये सारा काम किस तरह से शेयर करना है हमने सर्वर के साथ, ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। हैंड हेल्ड कंप्यूटर की बात कर लें तो ये भी इनके अंदर भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, लेकिन ये जो रिसोर्सेज हैं इसके अंदर वो बहुत पुअर होते हैं, लेकिन किस तरह से हमने ऑप्टिमाइज करना है और यूज़ेबल करना है, इसकी बैटरी लाइफ के मुताबिक किस तरह से इसे यूज़ करना है, ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इस तरह से कुछ कंप्यूटर्स ऐसे होते हैं जिसमें यूज़र इंटरफेस बहुत कम होता है, जैसे एम्बेडेड कंप्यूटर्स हो गए, उनमें भी सारी फंक्शंस जो हैं सारा काम जो होता है जो हार्डवेयर कंट्रोल कर रहा होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंट्रोल करते हैं।
ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन अगर हम करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक रिसोर्स एलोकेटर है जो तमाम किस्म के रिसोर्सेज को मैनेज करता है। इसी ने डिसाइड करना होता है कि कन्फ्लिक्ट रिक्वेस्ट कहाँ पे आ रही है, किस तरह से कन्फ्लिक्ट रिक्वेस्ट और फेयर रिसोर्सेज को एफिशिएंट वे में यूज़ किया जा सके। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंट्रोल प्रोग्राम है जो तमाम किस्म के प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन कंट्रोल कर रहा है ताकि एरर्स को रिमूव किया जा सके और इम्प्रॉपर जो यूज़ है उससे बचा जा सके। उसके बाद डेफिनेशन की अगर हम बात कर लें तो यूनिवर्सली कोई इसकी खास डेफिनेशन नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि एवरीथिंग ऑफ वेंडर शिप्स व्हेन यू ऑर्डर एन ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब हर वो काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है जो आप कंप्यूटर के अंदर उसको ऑर्डर करते हैं वो सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। इसकी हम ये भी कह सकते हैं कि एक प्रोग्राम है जो हर टाइम कंप्यूटर के अंदर रन हो रहा होता है, इसे हम कर्नल का भी नाम देते हैं। तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। उसके बाद कंप्यूटर स्टार्टअप की अगर हम बात करें तो बूट स्टार्टअप प्रोग्राम एक लोड होता है कंप्यूटर मेमोरी के अंदर। इसके काम होता है कि पावर अप करना और रिबूट करना, मतलब रीस्टार्ट करना और स्टार्ट करना कंप्यूटर को, ये इसका काम होगा। टिपिकली ये जो है रोम या ईपी रोम के अंदर ये स्टोर होते हैं, फिर्म वेयर भी इनको कहा जाता है और तमाम सिस्टम को इनिशियलाइज करते हैं ये, मतलब जैसे ही आपका सिस्टम आपका ऑन होगा स्टार्ट करेंगे हम तो ये बूट स्टार्ट प्रोग्राम जो है ये लोड हो जाएगा और तमाम सिस्टम के एस्पेक्ट को इनिशियलाइज कर देगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करेगा कर्नल में और एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। तो ये कंप्यूटर स्टार्टअप है। उसके बाद कंप्यूटर सिस्टम के ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो आपकी जो तमाम जो आपके रिसोर्सेज हैं जिसमें आपके सीपीयू आ जाते हैं, डिस्क कंट्रोलर आ जाता है, यूएसबी कंट्रोलर आ जाता है, ग्राफिक्स अडाप्टर आ जाता है, ये एक बस के जरिए एक जो आपकी टोपोलॉजी यूज़ की जा रही है बस टोपोलॉजी के जरिए तब मेमोरी को शेयर कर रहे होते हैं, आपस में मेमोरी को शेयर किया जा रहा होता है। इसी तरह से हम कंकरेंट एग्जीक्यूशन कर सकते हैं सीपीयू की और डिवाइस की, मुख्तलिफ मेमोरी साइकल्स का इस्तेमाल करते हुए हम कंकरेंट यूज़ कर सकते हैं सीपीयूज़ का। उसके बाद कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेशन की बात करें तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और सीपीयू जो है एक ही वक्त में एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। हर डिवाइस कंट्रोलर जो होता है वो उसी मखसूस डिवाइस का इंचार्ज होता है। हर डिवाइस कंट्रोलर के पास एक लोकल बफर होगा, सीपीयू जो है ये डाटा मूव करता रहेगा मेन मेमोरी और मेन मेमोरी से लोकल बफर, लोकल बफर से मेन मेमोरी, तो इस तरह से सीपीयू जो है डाटा मूव करता रहता है। इनपुट आउटपुट जो है ये भी अपना डाटा जो है लोकल बफर ऑफ कंट्रोलर के अंदर स्टोर करते हैं। डिवाइस कंट्रोलर जो होता है ये सीपीयू को इन्फॉर्म करता है जैसे कोई उसका जो टास्क है या जो उसका ऑपरेशन है फिनिश होगा तो सीपीयू को ये इन्फॉर्म करेगा, और वो किस तरह से इन्फॉर्म करेगा, बाय काजिंग एन इंटरप्ट। अब इंटरप्ट क्या होती है नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम देखते हैं। इंटरप्ट का जो काम है इसने कंट्रोल को ट्रांसफ़र करना होता है इंटरप्ट सर्विस रूटीन की तरह। अब ये सारा काम जो कार्य होती है जो ट्रांसफ़र हो रहा था कंट्रोल, ये इंटरप्ट वेक्टर के थ्रू होता है और इंटरप्ट वेक्टर के अंदर तमाम सर्विसेज रूटीन के एड्रेसेस मौजूद होते हैं। अब इंटरप्ट आर्किटेक्चर जो है ये उसी इंटरप्ट जो हो रही थी इंस्ट्रक्शन आ रही थी इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन उसके एड्रेस को सेव करेगा इंटरप्ट आर्किटेक्चर। ट्रैप या एक्सेप्शन जो भी सॉफ्टवेयर के अंदर जनरेट की जाती है उसे हम इंटरप्ट के जरिए जनरेट होती है, वो कोई एरर हो सकती है, ये यूज़र रिक्वेस्ट हो सकती है, इससे हम इंटरप्ट का नाम देते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये तमाम का तमाम इंटरप्ट ड्रिवन है, मतलब इंटरप्ट के ऊपर ही बेस कर रहा होता है, इंटरप्ट के ऊपर ही ये चलता है। अब इंटरप्ट को हैंडल किस तरह से किया जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सीपीयू की स्टेट को प्रिजर्व कर लेता है, उसे रजिस्टर के अंदर स्टोर कर लेता है या प्रोग्राम काउंटर के अंदर उसकी स्टेट को स्टोर कर लेता है। कौन कौन से इंटरप्ट आ सकते हैं तो वो दो तरह के आते हैं, पोलिंग या वेक्टर्ड इंटरप्ट सिस्टम। अब हर इंटरप्ट के लिए, हर इंटरप्ट की टाइप के लिए मुख्तलिफ या अलग जो है सेगमेंट ऑफ कोड इस्तेमाल किया जाता है, उस कोड के अंदर ही इंटरप्ट के हवाले से तमाम इंफॉर्मेशन स्टोर होती हैं। अब इंटरप्ट की अगर हम टाइमलाइन देखें तो सीपीयू यूज़र प्रोसेस एग्जीक्यूशन हो रही है, उसके बाद इनपुट आउटपुट इंटरप्ट आ जाते हैं तो आपकी प्रोसेसिंग जो है आपकी जो इनपुट आउटपुट है वो डाउन चली जाती है, फिर आपके दोबारा स्टार्ट होता है, फिर अगर आपको इंटरप्ट आ गए तो फिर रुक जाती है, फिर आगे की तरफ मूव करती है। इस तरह से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की बात कर लें तो पहले आइडल फॉर्म में है, फिर ट्रांसफ़र हो रहा है, फिर दोबारा आइडल फॉर्म में चला जाता है, फिर ट्रांसफ़र, तो ये आपका ट्रांसफ़र जहाँ पर डन हो रहा है वो आपको शो कराया गया है, और जहाँ पर इंटरप्ट आ रही है तो वो चीज़ भी आपको बताई है कि किस तरह से आपका सिस्टम आइडल जा रहा है। तो ये इंटरप्ट की टाइम लाइन है। उसके बाद इनपुट आउटपुट स्ट्रक्चर की अगर हम बात कर लें, जैसे आपका इनपुट आउटपुट स्टार्ट होता है
जो इनपुट आउटपुट के अंदर लोकल बफर है वो कंट्रोल को भेज देता है आपकी यूज़र प्रोग्राम की तरफ जैसे इनपुट आउटपुट कंप्लीट होगा। अब इनपुट आउटपुट स्टार्ट होने के बाद क्या क्या हो रहे होते हैं, तो सबसे पहले वेट इंस्ट्रक्शन आइडल द सीपीयू अंटिल द नेक्स्ट इंटरप्ट। आपका जो सीपीयू है वो नेक्स्ट इंटरप्ट तक वेट करता रहेगा, कब आपका सीपीयू आइडल फॉर्म में रहेगा जब तक नेक्स्ट इंटरप्ट नहीं आ जाती। इस तरह से वेट आपका लूप लगेगी, मतलब आपका कभी आइडल फॉर्म में चला जाएगा, कभी ट्रांसफर इन में आ जाएगा, कभी ट्रांसफर आपका डन हो जाएगा। इसी तरह से एटमोस्ट जो है एक इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट जो है आउटस्टैंडिंग होती है एक वक्त के अंदर, मतलब सिमल्टेनियस इनपुट और प्रोसेसिंग नहीं हो रही होती। इस तरह से जब इनपुट आउटपुट स्टार्ट होता है तो कंट्रोल रिटर्न कर दिया जाता है यूज़र प्रोग्राम में विदाउट वेटिंग फॉर इनपुट आउटपुट कंप्लीशन। पहला जो थे कंडीशन जो थी वो अपॉन इनपुट आउटपुट कंप्लीशन थी, ये विदाउट वेटिंग फॉर इनपुट आउटपुट कंप्लीशन। तो इसमें जब वेट किए बगैर कंट्रोल रिटर्न कर दिया जाएगा तो सबसे पहले आते हैं सिस्टम कॉल, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट की जाती है कि अलाउ करे यूज़र को कि वो वेट करे इनपुट आउटपुट कंप्लीशन का। उसके बाद डिवाइस स्टेटस टेबल आ जाती है, यह वो आपकी एंट्री टेबल होती है जिसमें तमाम किस्म की इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की टाइप एड्रेस स्टेट सेव होती है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम इंडेक्सेस आ जाते हैं, इसके अंदर इनपुट आउटपुट डिवाइस टेबल मौजूद होती है, डिवाइस का स्टेटस मौजूद होता है और किस तरह से हम टेबल एंट्री को जो है मॉडिफाई कर सकते हैं, उसके अंदर जो इंटरप्ट है उनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, वो सारा कुछ इसके अंदर मौजूद होता है। उसके बाद स्टोरेज डेफिनेशन आ जाती है, तो बेसिक यूनिट जो है कंप्यूटर स्टोरेज का वो बिट है। बिट आपकी वन ऑफ टू वैल्यूज में से एक हो सकती है, जीरो या वन हो सकती है। ये बेस्ड करता है आपका स्टोरेज जो है वो बेस्ड करता है कलेक्शन ऑफ बिट्स के ऊपर। अब आठ बिट जो हैं वो बाइट बनाती हैं, चार बिट एक निबल बनाती हैं। ये आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है, वर्ड जो है आपका वो मोस्टली आपका वन और मोर बाइट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। अगर कंप्यूटर है 64 बिट रजिस्टर या 64 बिट मेमोरी है तो इसमें मतलब है 64 बिट के वर्ड होंगे, यानी कि 8 बाइट का एक वर्ड उसके अंदर होगा। अब इसकी एक किलो बाइट जो है 1024 बाइट है, मेगा बाइट 1024 का स्क्वायर बाइट है, गीगा बाइट 1024 का जो है क्यूब है, टेटा बाइट 1024 का टेटा बाइट है टेटा है। उसके बाद पेंटा जो है वो 1024 का पेंटा है, यानी कि पावर 5 आ जाती है। तो ये आपका था स्टोरेज के हवाले से। स्टोरेज स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले आती है आपकी मेन मेमोरी, जो लार्ज आपका स्टोरेज मीडिया के ऊपर मुश्तमिल होती है, जो जिसे सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस कर रहा होता है, इसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी का भी नाम देते हैं, ये वोलेटाइल मेमोरी होती है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपकी सेकेंडरी स्टोरेज आ जाती है, ये मेन मेमोरी की एक्सटेंशन ही होती है जो नॉन वोलेटाइल स्टोरेज एरिया प्रोवाइड करती है। उसके बाद आपकी हार्ड डिस्क आ जाती है, ये आपकी रिजिड मेटल होती है, ग्लास प्लेटर के ऊपर मुश्तमिल होती है, जिसे मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग मटेरियल से कवर किया जाता है। इसकी जो डिस्क सर्विस होती है ये ज़्यादातर ट्रैक के ऊपर मुश्तमिल होती है और हर ट्रैक को फिर डिवाइड किया जाता है सेक्टर्स के अंदर। इसे डिस्क कंट्रोलर जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है, यही डिस्क कंट्रोलर होता है जो हार्ड डिस्क और कंप्यूटर के दरमियान लॉजिकल इंटरेक्शन क्रिएट करता है या डिटरमाइन करता है। उसके बाद सॉलिड स्टेट डिस्क हैं, ये हार्ड डिस्क से फास्टर होती हैं, नॉन वोलेटाइल हैं ये भी, ये मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज में मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल हो रही हैं और आजकल ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। उसके बाद स्टोरेज हायरार्की की बात कर लें, जो स्टोरेज सिस्टम है उसकी जो हायरार्की है उसे हम इस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, स्पीड, कॉस्ट और वोलेटाइल। उसके बाद आपकी कैश मेमोरी आ जाती है, कैश मेमोरी जो है जब हम किसी भी इंफॉर्मेशन को फास्टर स्टोरेज सिस्टम के अंदर कॉपी करते हैं, और मेन मेमोरी कैन बी व्यू हैज अ कैशे फॉर सेकेंडरी स्टोरेज। और सेकेंडरी स्टोरेज में अगर आपने डाटा को स्टोर करना है तो मेन मेमोरी के अंदर बतौर कैशे आप डाटा जो है स्टोर कर रहे होते हैं। उसके बाद डिवाइस ड्राइवर है, हर जो है डिवाइस है उसका एक कंट्रोलर होता है जो मैनेज करता है इनपुट आउटपुट को, और यही एक यूनिफॉर्म इंटरफेस प्रोवाइड करता है कंट्रोलर और कर्नल के लिए। यह आपकी डिवाइस हायरार्की आ जाती है, स्टोरेज डिवाइस जिसमें रजिस्टर हैं, कैश मेमोरी है, मेन मेमोरी है, सॉलिड स्टेट डिस्क हैं, हार्ड डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क और मैग्नेटिक टेप्स मौजूद हैं। उसके बाद कैशिंग की अगर हम बात कर लें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है कंप्यूटर के अंदर, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, और ये ज़्यादातर मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर कंप्यूटर के अंदर मुख्तलिफ लेवल्स में परफॉर्म किया जा रहा है, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर में। इसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कॉपी की जाती है स्लोअर से फास्टर स्टोरेज के अंदर टेम्परेरी तौर पर। फास्टर स्टोरेज आपकी कैश मेमोरी होती है, इसे हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं, उसके बाद आपकी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर स्टोर की जाती हैं। आपकी इन्फॉर्मेशन अगर आपका
अगर आपकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मौजूद होती हैं तो इन्फॉर्मेशन वहाँ से डायरेक्टली ले ली जाती हैं, अगर नहीं होती तो जहाँ से आपने इन्फॉर्मेशन ली होती हैं वो इन्फॉर्मेशन पहले आप कॉपी करके कैश के अंदर रखते हैं, फिर उनको यूज़ करते हैं। कैश मेमोरी जो है ये स्मॉलर स्टोरेज होती है, और क्योंकि मैंने पहले कहा कि टेम्परेरी होती है, इसकी जो मैनेजमेंट होती है ये डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करती है, और बात करती है कैश मैनेजमेंट डिज़ाइन प्रॉब्लम के हवाले भी क्रिएट कर रही होती है, आपका इसी के अंदर प्रॉब्लम्स भी आ रही होती हैं। कैश साइज और प्लेसमेंट पॉलिसी भी एक है कि किस तरह से हर ऑपरेटिंग सिस्टम की एक अलग से अपनी एक कैश साइज होगा, हर ऑपरेटिंग सिस्टम की एक अलग से रिप्लेसमेंट पॉलिसी मौजूद होगी। उसके बाद डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस स्ट्रक्चर DMA की बात कर ले तो ये ज़्यादातर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि इन्फॉर्मेशन को हाईली VMA मतलब हाई स्पीड के साथ ट्रांसमिट किया जा सके। डिवाइस कंट्रोलर जो होते हैं ये डाटा के ब्लॉक को बफर स्टोरेज से मेन मेमोरी की तरफ डायरेक्टली भेजते हैं विदाउट CPU इंटरवेंशन। इसी तरह से आपका जो इंटरप्ट होता है वो पर ब्लॉक जनरेट होता है, पर बाइट जनरेट नहीं होता। उसके बाद किस तरह से मॉडर्न कंप्यूटर वर्क करते हैं, ये एक वॉन न्यूमैन का आर्किटेक्चर दिया हुआ है जिसमें आपकी मेमोरी बताई हुई, इंस्ट्रक्शंस और डाटा दिए हुए हैं, आपकी डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस जो है ये बताया हुआ है कि आप किस तरह से ये कर रहा होता है, आपका ये डिवाइस है जहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन स्टोर हुई पड़ी होती हैं, ये वो आपके इनपुट आउटपुट डिवाइस हैं, तो बगैर किसी इंटरप्ट के ये डायरेक्ट डाटा भेज रहे हैं मेन मेमोरी को, और ये आपकी कैश मेमोरी है। अगर आपका डाटा डिवाइस पहले चेक किया जाएगा कैश मेमोरी में, अगर कैश मेमोरी में मौजूद होगा तो डायरेक्ट कॉपी किया जाएगा जो है डायरेक्ट भेज दिया जाएगा DMA को, अगर नहीं है तो फिर डिवाइस से डाटा कॉपी किया जाएगा कैश मेमोरी में, फिर कैश मेमोरी से दोबारा भेज दिया जाएगा मेन मेमोरी को, तो इसे वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर का भी नाम दिया जाता है। उसके बाद कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर की अगर हम बात कर लें, जो मोस्टली कंप्यूटर हैं वो सिंगल जनरल पर्पस प्रोसेसर के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, ये स्पेशल पर्पस प्रोसेसर जो है ये आपका मुख्तलिफ टास्क परफॉर्म कर रहा होता है कंप्यूटर के अंदर। उसके बाद अगर हम बात कर लें मल्टी प्रोसेसर की, आपका मल्टी प्रोसेसर मुख्तलिफ वे में इसको यूज़ किया जाता है, इसकी मुख्तलिफ इंपॉर्टेंस है, पैरेलल सिस्टम के लिए, टाइटली कपल सिस्टम के लिए इसको यूज़ किया जाता है ताकि एक ही वक्त में मल्टीपल टास्क को प्रोसेस किया जा सके। इसके बाद इसके एडवांटेजेस की अगर हम बात करें, जब प्रोसेसिंग आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी, मल्टीपल प्रोसेसिंग होगी तो आपकी थ्रूपुट इंक्रीज़ हो जाएगी, आपकी इकोनॉमी का जो स्केल है वो इंक्रीज़ होगा, आपकी रिलायबिलिटी इंक्रीज़ होगी। इसको मल्टी प्रोसेसिंग दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, असिमेट्रिक और सिमेट्रिक। असिमेट्रिक जो है हर प्रोसेसर जो है स्पेसिफिक टास्क असाइन किया जाता है, जबकि सिमेट्रिक के अंदर हर प्रोसेसर को तमाम टास्क जो हैं वो असाइन कर दिए जाते हैं, तमाम टास्क वो परफॉर्म करता है, ये सिमेट्रिक प्रोसेसिंग मल्टी प्रोसेसिंग कहलाती है। उसके बाद सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर की बात करें तो मेमोरी आ जाती है, CPU आ जाते हैं, आपके मल्टीपल प्रोसेसर मौजूद हैं जिसमें मल्टीपल रजिस्टर्स और कैश मेमोरी मौजूद है। इसमें ड्यूअल कोर डिज़ाइन की अगर हम बात कर लें, इसमें मल्टी चिप और मल्टी कोर सिस्टम कहलाते हैं, ये मल्टीपल सेपरेट सिस्टम के ऊपर, मल्टीपल सेपरेट कोर के ऊपर, CPU कोर के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। जैसे हमने लास्ट में बात की थी कि सारी की सारी जो है आपकी कोर लगी हुई है, अलग अलग नहीं है, सेपरेट नहीं है, लेकिन अगर हम इसमें देखें तो ये सेपरेट सिस्टम के ऊपर, सेपरेट कोर के ऊपर मुश्तमिल होता है ड्यूअल कोर, और इसे हम कह सकते हैं कि दो प्रोसेसर का भी हम इसे नाम दे सकते हैं, ये जिसके अंदर दो सेपरेट प्रोसेसर काम कर रहे हों वो ड्यूअल कोर डिज़ाइन कहलाते हैं। उसके बाद क्लस्टर सिस्टम की बात कर लें, जैसे मल्टी प्रोसेसर सिस्टम है, इसी तरह से मल्टीपल सिस्टम भी इकट्ठे वर्क करते हैं, ये जो है इन्हें हम आमतौर पर स्टोरेज एरिया नेटवर्क या SCN का भी नाम देते हैं। इससे ये होता है कि आपकी यूज़र को हाई सर्विसेज, हाई अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। अब इसमें भी फिर दो टाइप्स आ जाते हैं, असिमेट्रिक और सिमेट्रिक। असिमेट्रिक जो है ये एक मशीन एक स्टैंड बाई के लिए मोड के लिए काम करेगी, मतलब एक टास्क परफॉर्म करेगी, जबकि सिमेट्रिक में मल्टीपल नोड्स जो हैं वो रन हो रहे हैं, मल्टीपल नोड्स को मॉनिटर किया जा रहा है सिमेट्रिक क्लस्टरिंग के अंदर। अच्छा, इसी तरह से हम क्लस्टर्स को हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग का भी नाम देते हैं, क्लस्टर्स आपके हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग भी कहलाते हैं। आपकी जितनी भी एप्लीकेशन होती हैं वो सारी की सारी पैरालाइजेशन मतलब पैरेलल वर्क कर रही होती हैं क्लस्टर सिस्टम के अंदर, और ये सारा कुछ जो है DLM डिस्ट्रीब्यूटेड लॉक मैनेजर के ज़रिए जो आपकी जितनी कंट्रोल किया जा रहा होता है, और इसी के ज़रिए जितनी भी कन्फ्लिक्ट आ रहे होते हैं ऑपरेशंस के दरमियान उसको अवॉइड किया जा रहा होता है। उसके बाद ये आपका क्लस्टर सिस्टम दिया हुआ है, ये स्टोरेज एरिया नेटवर्क है, आपका कंप्यूटर्स हैं आपस में सारे के सारे इंटरकनेक्ट हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर की बात कर लें, मल्टी प्रोग्रामिंग जिसे हम बैच सिस्टम का भी नाम देते हैं, ये ज़्यादातर एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
जो सिंगल यूज़र है वो हर टाइम आपका सीपीयू इनपुट डिवाइसेस को हर टाइम जो है वो बिजी नहीं रखेगा। तो मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर आपकी जॉब्स ऑर्गेनाइज की जाती हैं जिसमें सीपीयू हर टाइम एग्जीक्यूट होता रहेगा, एक या एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता रहेगा। और ये सारा की सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं जो टोटल है आपका जॉब्स का, ये मेमोरी के अंदर रखी जाएंगी। हर जो है वो जॉब जो है मेमोरी में से सिलेक्ट की जाएगी जॉब स्केजलिंग के ज़रिए, और जैसे ही वो एंड होगी मतलब वो वेट करती रहेगी ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम नेक्स्ट जॉब को जो है वो स्विच करे प्रोसेसर। उसके बाद टाइम शेयरिंग, ये मल्टीटास्किंग आ जाता है, ये लॉजिकल इंस्ट्रक्शन है सीपीयू की जिसमें सीपीयू जॉब्स को आपस में स्विचेस करता है जो फ्रीक्वेंट यूज़ हो रही होती हैं, और इंटरेक्ट कर रहा होता है हर जॉब का जो आपस में रन हो रही हैं, जो जॉब्स जो हैं वो जॉब्स स्केजलिंग के जरिए रन हो रही थी, जो जॉब्स जो हैं मेन मेमोरी के अंदर मौजूद थी उन सब के साथ ये इंटरेक्ट कर रहा होता है। इसमें जो रिस्पॉन्स टाइम होता है वो शुड बी लेस देन 1 सेकेंड है। हर यूज़र जो है एटलीस्ट 1 प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा मेमोरी के अंदर जिसे हम प्रोसेस का नाम देंगे। जब सेवरल जॉब्स रन हो रही होंगी एक ही टाइम के अंदर उसे हम सीपीयू स्केजलिंग का नाम देंगे। अगर आपके प्रोसेस मेमोरी के अंदर फिट नहीं आ रहे तो मेमोरी से सीपीयू के दरमियान जो आपका इंटरचेंज हो रहा था प्रोसेस मूव इन या मूव आउट हो रहा था, इस इस्तेमाल को हम स्वैपिंग का नाम दे रहे हैं। और इसी तरह से वर्चुअल मेमोरी बनती है जो अलाउ करती है एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेसेस को, मतलब आपकी तमाम किस्म के एग्जीक्यूशन मेमोरी के अंदर ना हो, मेमोरी से हम बाहर एक मेमोरी क्रिएट होती है ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट करता है जिसे हम वर्चुअल मेमोरी का नाम देते हैं। उसके बाद मेमोरी लेआउट आ जाता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, और उसके बाद आपके जॉब पड़ी हुई है, जॉब 1 है, जॉब 2 है, जॉब 3 है, जॉब 4 है, और आपका जो रैम है वो 512 MB की आपकी रैम है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेशन की अगर हम बात कर लें तो इंटरप्ट ड्रिवन है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में इंटरप्ट बेस के ऊपर ये काम कर रहा है। हार्डवेयर इंटरप्ट बाय वन ऑफ द डिवाइसेस, हार्डवेयर को जैसे इंटरप्शन मिलेगी, कोई सिग्नल मिलेगा, कोई एक्सेप्शन मिलेगी तो हार्डवेयर काम करना स्टार्ट कर देगा। इसी तरह से सॉफ्टवेयर जो है वो एक्सेप्शन या ट्रैप के जरिए काम करता है, यानी कि कोई सॉफ्टवेयर जिसे हम एक्सेप्शन का नाम देते हैं डिवीजन बाय जीरो, या ऑपरेटिंग सिस्टम कोई रिक्वेस्ट भेजता है, इस तरह से कोई प्रॉब्लम आ जाती है जैसे आपकी इन्फिनाइट लूप चल पड़ती है, तो इस तरह की प्रॉब्लम सारी सॉफ्टवेयर इंटरप्ट कहलाती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेशन की अगर हम बात कर लेते हैं, ड्यूअल मोड ऑपरेशन जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम को अलाउ करते हैं कि वो खुद को भी प्रोटेक्ट करे और दूसरे जो सिस्टम कंपोनेंट्स मौजूद हैं उनको भी प्रोटेक्ट करे। ड्यूअल मोड में फिर 2 मोड आ जाते हैं, यूज़र मोड और कर्नल मोड। इस तरह से मोड बिट आ जाती है जो हार्डवेयर प्रोवाइड करता है, इसका काम ये होता है कि सिस्टम जो यूज़र कोड को रन कर रहे हैं उनके दरमियान आपस में डिस्टिंग्विश पैदा की जा सके, उनके दरमियान डिफरेंस पैदा किया जा सके। इस तरह से जो कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं वो प्रिविलेज होती हैं, मतलब वो मखसूस होती हैं और सिर्फ कर्नल मोड के अंदर एग्जीक्यूट की जाती हैं। सिस्टम कॉल जो है ये भी कर्नल का ही मोड है, इसमें जो आपकी कॉल है वो दोबारा यूज़र को रिटर्न कर दी जाती है, जो आपकी कॉल रीसेट है वो दोबारा यूज़र को रिटर्न कर दी जाती है। इस तरह से जिस तरह जैसे जैसे आपके इंक्रीज हो रहे हैं सीपीयू सपोर्ट मल्टी मोड ऑपरेशन आ रहे हैं, उस तरह से आपके वर्चुअल मशीन मैनेजर जिसे VMM का नाम देते हैं वो भी इंक्रीज हो रहा है, आपके गेस्ट VM वो भी मोड बढ़ रहे हैं। ट्रांजिशन फ्रॉम यूज़र टू कर्नल मोड, अब ट्रांजिशन ये किस तरह से होगी, इसके लिए टाइमर होगा जो प्रिवेंट कर रहा होगा इनफिनाइट लूप को या प्रोसेस हॉगिंग रिसोर्सेज को प्रिवेंट करेगा। अब इसमें होगा ये कि जैसे आपका यूज़र प्रोसेस एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा तो कॉल सिस्टम को कॉल आ जाएगी, उस टाइम ये ट्रैप के अंदर चला जाएगा यानी कर्नल मोड के अंदर चला जाएगा, ट्रैप मोड जो है बिट वो सेट कर दी जाएगी जीरो को जीरो के। इसी तरह से ये आपकी जो सिस्टम कॉल है वो एग्जीक्यूट होगी, दोबारा से जो मोड बिट है वो रिटर्न होगी 1 और दोबारा से ये सिस्टम कॉल के अंदर रिटर्न कर जाएगा, मतलब आपका यूज़र ने प्रोसेस एग्जीक्यूट करना शुरू किया, उसे कोई सिस्टम कॉल आ गई तो वो कर्नल मोड के अंदर चला गया और उसने बिट जो है जीरो शो करा दी, एग्जीक्यूट की सिस्टम कॉल को जो भी कॉल आई थी उसका एग्जीक्यूट करने के बाद दोबारा से बिट 1 रिटर्न की और दोबारा से वो जो आपका प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा था उसकी तरफ ये वापस मूव कर जाएगा। अब प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस एक ऐसा प्रोग्राम है जो एग्जीक्यूशन के अंदर मौजूद होता है, और इसे हम ये भी कह सकते हैं कि ये यूनिट ऑफ वर्क है जो सिस्टम के अंदर परफॉर्म हो रहा था। प्रोग्राम एक पैसिव एंटिटी है और प्रोसेस एक एक्टिव एंटिटी है। अब प्रोसेस जो है उसे मुख्तलिफ रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए सीपीयू चाहिए होता है, उसे मेमोरी चाहिए होता है, इनपुट आउटपुट फाइल्स चाहिए होते हैं, और इनिशियलाइज करने के लिए उसे डाटा चाहिए होता है। प्रोसेस टर्मिनेशन जो है ये भी कोई यूजेबल रिसोर्स के जरिए ही रिक्लेम की जाती है। सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस जो है इनके अंदर एक प्रोग्राम काउंटर होता है जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की लोकेशन को सेव रखता है, जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के लिए आ रही होती है उसकी लोकेशन को स्पेसिफाई करते हैं।
इसी तरह से सिंगल थ्रेड जो प्रोसेस है ये प्रोसेस एग्जीक्यूट करते हैं सीक्वेंस के अंदर एग्जीक्यूट करते हैं, एक टाइम में एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता। मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस जो है ये वन प्रोग्राम काउंटर पर थ्रेड पर मुश्तमल होते हैं। मल्टी थ्रेडेड हर थ्रेड के लिए अलग प्रोग्राम काउंटर मौजूद होता है और इसमें भी आपके जो सिस्टम है क्योंकि उसके अंदर मुख्तलिफ प्रोसेस दौरान हो रहे होते हैं, मुख्तलिफ यूज़र होते हैं, मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही वक्त में यूज़ किए जा रहे होते हैं, एक से ज़्यादा सी पी यू के ऊपर, ये सारा काम जो रहता है ये मल्टीप्लेक्सिंग के जरिए सी पी यू जो है अंजाम दे रहा होता है। उसके बाद प्रोसेस मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये तमाम किस्म की प्रोसेस मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ की रिस्पॉन्सिबल है, मतलब कोई प्रोसेस क्रिएट करना है, डिलीट करना है, कोई सस्पेंड करना है, कोई रिज्यूम करना है, किसी को मैकेनिज्म प्रोवाइड करना है सिंक्रोनाइजेशन के लिए, किसी को कम्युनिकेशन के लिए मैकेनिज्म प्रोवाइड करना है, किसी को डेडलॉक हैंडलिंग के लिए मैकेनिज्म प्रोवाइड करना है, तो ये सारा काम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। उसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट आ जाती है जिसमें प्रोग्राम जो है तमाम प्रोग्राम एक ही वक्त में हम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं मेन मेमोरी के अंदर। ये मेमोरी होती है जो तमाम प्रोग्राम्स का रिकॉर्ड रखती है, मैनेज करती है तमाम प्रोग्राम को और इसी मेमोरी के ज़रिए सीपीयू को की यूटिलाइजेशन और कंप्यूटर रिस्पांस जो है यूज़र का वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर किया जाता है। मेमोरी मैनेजमेंट जो एक्टिविटीज़ हैं ये इसने कीप ट्रैक ऑफ विच पार्ट ऑफ मेमोरी करंटली बीइंग यूज्ड बाय, मतलब इसमें मेमोरी मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ के अंदर तमाम किस्म का रिकॉर्ड रखना, तमाम किस्म का ट्रैक रखना मेमोरी का, कौन सा जो है हिस्सा यूज़ हो रहा है, कौन सा हिस्सा अभी तक यूज़ नहीं हुआ, इसी ने डिसाइड करना होता है किस प्रोसेस को हमने जो है सीपीयू देना है और किसको इन करना है मेमोरी के अंदर, किसको आउट करना है, एलोकेशन और डी एलोकेशन मेमोरी स्पेस की, ये भी सारा मेमोरी मैनेजमेंट के जरिए हो रहा होता है। उसके बाद स्टोरेज मैनेजमेंट है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको यूनिफॉर्म और लॉजिकल व्यू देता है स्टोरेज का जिसके ज़रिए आप अब्स्ट्रैक्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को और फिर उसे लॉजिकल स्टोरेज यूनिट के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं जिसे हम फाइल का नाम देते हैं। हर मीडियम जो है इसे कंट्रोल किया जा रहा था किसी डिवाइस के जरिए जैसे डिस्क ड्राइव है, टेप ड्राइव है, ये सारे कंट्रोल हो रहे थे। अब इनकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं जैसे एक्सेस स्पीड है, कैपेसिटी है, डाटा ट्रांसफर रेट है, ये इसकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ होंगी स्टोरेज के वाले से। फाइल सिस्टम मैनेजमेंट की बात करें तो जिसके अंदर फाइल को डायरेक्टली डायरेक्टरीज़ के अंदर हम ऑर्गेनाइज करते हैं, तमाम सिस्टम जो हैं वो इसको एक्सेस कर रहे होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम भी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ कर रहा होता है, इसके ऊपर परफॉर्म कर रहता है, कोई फाइल डायरेक्टरी क्रिएट कर रहा है, डिलीट कर रहा है, किसी को प्रिमिटिव दे रहा है मैनिपुलेशन के लिए, मैपिंग कर रहा होता है सेकेंडरी स्टोरेज पे, बैकअप बना रहा होता है, तो ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम का ही है। उसके बाद मैस स्टोरेज मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, अब इसके अंदर ये कहा जाता है कि जो जितनी भी आपकी मेन मेमोरी है या बाकी जैसे हमने कैश मेमोरी की बात की थी तो वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए डाटा को स्टोर नहीं करते, तो उसके लिए एक प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए होती है, आपके एक प्रॉपर एक आपके स्टोरेज चाहिए होता है जहाँ पे सब जो सिस्टम है या डिस्क है उसके अंदर आपका डाटा को स्टोर किया जा सके। तो इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें फ्री स्पेस मैनेजमेंट, आपका जो स्पेस जो आपकी फ्री है उसका रिकॉर्ड रखना, स्टोरेज एलोकेशन का रिकॉर्ड रखना, डिस्क स्केजलिंग का रिकॉर्ड रखना। इसके बाद सम स्टोरेज नीड टू बी फास्ट, जैसे टर्शियरी स्टोरेज है इसमें ऑप्टिकल स्टोरेज आ जाते हैं, मैग्नेटिक टेप आ जाती है, इस तरह से आपका तमाम टर्शियरी स्टोरेज का जो मैनेज है, स्टोरेज को मैनेज करना, एप्लीकेशन को मैनेज करना, ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन के ज़रिए होता है। ये मुख्तलिफ जगहों पे वेरीज करते हैं, जैसे हम राइट वंस, रीड मेनी टाइम्स और रीड राइट का भी हम नाम दे सकते हैं, मतलब स्टोरेज आपका जो है ये वेरी करता है, इसकी टाइप मुख्तलिफ हो सकती है, वार्म भी हो सकता है, राइट वंस, रीड मेनी टाइम्स ये भी हो सकता है, रीड राइट भी हो सकता है। उसके बाद परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस लेवल ऑफ स्टोरेज की अगर हम बात कर लें, रजिस्टर इनका जो साइज़ है ये टिपिकल लेस देन 1 KB भी होता है, इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन होती है कस्टम मेमोरी विद मल्टीपल पोर्ट सीमोस के ज़रिए आपका ये इसका एक्सेस टाइम जो है वो 0.25, ये आपकी पूरी एक टेबल दी हुई है, आप लोग इसे अच्छी तरह से देख लीजिएगा। उसके बाद माइग्रेशन ऑफ डाटा ए फ्रॉम डिस्क टू रजिस्टर, अभी माइग्रेशन किस तरह से हो रही है, हार्ड डिस्क के डाटा भेजते हैं मेन मेमोरी को, मेन मेमोरी डाटा भेजता है कैशे को, कैशे भेजता है हार्डवेयर रजिस्टर की तरफ। इसी तरह से मल्टी प्रोसेसर इन्वायरमेंट जो है वो कैशे कोहेरेंसी भी प्रोवाइड करता है हार्डवेयर को, जिसमें तमाम सीपीयूज जो हैं अब कैश के अंदर रीसेंट वैल्यू को स्टोर करते हैं। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट जो सिचुएशन है ये मज़ीद कम्प्लेक्स कम्प्लेक्शन क्रिएट करती है, जिसमें मुख्तलिफ कॉपीज़ जो हैं वो क्रिएट की जाती हैं और वो मुख्तलिफ कॉपीज़ जो हैं रखी जाती हैं। इनपुट आउटपुट सब सिस्टम, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है
इसका ये भी काम होता है कि हार्डवेयर डिवाइसेस को मैनेज करना और हार्डवेयर डिवाइसेस को यूज़र के लिए कैपेबल बनाना कि यूज़र अपनी कंप्यूटिंग प्रॉब्लम को इन हार्डवेयर डिवाइसेस के जरिए जो है वो सॉल्व कर सके। अब इनपुट आउटपुट सब सिस्टम रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ का होता है कि मेमोरी मैनेजमेंट जितनी भी हो रही होती है, मतलब जो हमने बताया था कि लोकल बफर बनना है जिसमें मेमोरी मेन मेमोरी से लोकल बफर के दरमियान डाटा ट्रांसफर हो रहा है, टेम्प्रेरी डाटा स्टोर किया जा रहा था कैश मेमोरी के अंदर, या स्पूलिंग हो रही होती है, ओवरलैपिंग हो रही होती है आउटपुट की, एक जॉब के ऊपर दूसरी जॉब आ रही होती है, तो ये सारा कुछ सब कुछ को मैनेज करना इनपुट आउटपुट सब सिस्टम का काम होता है। इस तरह से जनरल डिवाइस ड्राइवर इंटरफेस उसको मैनेज करता है, ड्राइवर्स फॉर स्पेसिफिक हार्डवेयर डिवाइसेस को भी मैनेज कर रहा होता है। प्रोटेक्शन सिक्योरिटी की बात करें, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, कंट्रोलिंग एक्सेस ये देता है प्रोसेसेस को यूज़र जिसके जरिए रिसोर्सेज को डिफाइन करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा होता है, मतलब आपको इंटरनल एक्सटर्नल अटैक्स से सेव करने के लिए जिसमें वायरस बॉम्ब उसके वजह से आपका डिफेंस एक मजबूत बनाता है। इस तरह से सिस्टम जो है यूज़र्स के दरमियान भी डिस्टिंग्विश करता है, यूज़र्स आईडी क्रिएट करता है, यूज़र हर आईडी के अगेंस्ट एक फाइल मखसूस उसके प्रोसेसेस क्रिएट करता है, ग्रुप आइडेंटिफायर होता है जिसके ज़रिए सेट ऑफ यूज़र्स को डिफाइन किया जाता है, उनको कंट्रोल किया जा रहा होता है। इस तरह से प्रिविलेज ये असाइन करता है जिसके ज़रिए हर कोई यूज़र जो है अपनी आईडी को इफेक्टिव वे में यूज़ कर सके। उसके बाद कर्नल डाटा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आपका जो डाटा स्ट्रक्चर होता है वो सिंगली लिंक लिस्ट के ऊपर या डबल या सर्कुलर लिंक लिस्ट के ऊपर मुश्तमिल होता है। अब ये हमारे पास कर्नल डाटा स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिसमें ट्री के वाले से वो दिया हुआ है कि किस तरह से कर्नल डाटा स्ट्रक्चर के अंदर ट्री जो सर्चिंग हो रही होती है वो किस ट्री के जरिए हो रही होती है, तो वो बैंडी सर्च ट्री के जरिए सर्च किया जा रहा होता है, डाटा सर्च किया जा रहा था। उसके बाद कर्नल डाटा स्ट्रक्चर में हैश फंक्शन आ जाते हैं, ये हैश मैप क्रिएट करते हैं, हैश फंक्शन आपकी कीज होती हैं जो जीरो से एन हैश मैप तक वैल्यू मौजूद होती हैं। उसके बाद बिट मैप की अगर हम बात करें स्ट्रिंग ये एन बैंडी डिजिट्स तक स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं। उसके बाद लिनक्स का इसके अंदर स्ट्रक्चर दिया हुआ है। कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट की बात करें, अगर ट्रेडिशनल की बात करें तो स्टैंडर्ड ऑन जो जनरल पर्पज़ मशीन्स हैं वो ज़्यादातर इस्तेमाल होते नहीं हैं, जिसमें आपका सिस्टम्स आपस में कनेक्ट कर दिए जाते थे इंटरनेट के ज़रिए, आपके पोर्टल्स वेब एक्सेस के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, नेटवर्क कंप्यूटर्स जो आपके क्लाइंट वगैरह वेब टर्मिनल के ज़रिए मोबाइल कंप्यूटर वायरलेस नेटवर्क के ज़रिए कनेक्ट किए जाते थे, इस तरह से नेटवर्किंग की जाती थी ताकि मुख्तलिफ होम सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट किया जाए। इसके बाद कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट, अगर मोबाइल की बात कर लें, हैंड हेल्ड स्मार्ट सिस्टम हैं, टैबलेट्स वगैरह हैं, ये आपकी तमाम किस्म की जो ट्रेडिशनल जो फंक्शनल है वो कर रहे होते हैं, काम कर रहते हैं, आपको एक्स्ट्रा फीचर ऑपरेटिंग सिस्टम फीचर प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें जीपीएस आ जाता है, मुख्तलिफ ऐप आपको प्रोवाइड करते हैं और IEEE स्टैंडर्ड को इस्तेमाल करते हुए वायरलेस और सेलुलर डेटा नेटवर्क को कनेक्टिविटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड के हवाले से बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटेड में नेटवर्क आपकी कम्युनिकेशन पाथ जिसमें TCP/IP प्रोटोकॉल इस्तेमाल किए जाते हैं, मुख्तलिफ नेटवर्क हैं, लोकल एरिया नेटवर्क है, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और पर्सनल एरिया नेटवर्क। सर्च नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये नेटवर्क के ऊपर आपको प्रोवाइड कर रहा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहा होता है जिसके ज़रिए मैसेजेस को एक्सचेंज किया जाता है। कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट की बात करें तो क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग आ जाते हैं जिसमें डंप टर्मिनल बनते हैं जिनको स्मार्ट पीसीस के जरिए कंट्रोल किया जाता है। मैनी सिस्टम नाउ सर्वर्स रिस्पॉन्डिंग टू रिक्वेस्ट जनरेटेड बाय क्लाइंट्स। कंप्यूटर आपके जो हैं हर मुख्तलिफ जो सिस्टम है उसके दरमियान सर्वर्स मौजूद होते हैं जो उनके रिक्वेस्ट को जो है मैनेज कर रहे होते हैं, कंप्यूट कर रहे होते हैं या जनरेट कर रहे होते हैं। क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग के अंदर डंप टर्मिनल आ जाते हैं जो स्मार्ट पीसीस कहलाते हैं जिसमें आपका कीबोर्ड और मॉनिटर के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। इस तरह से कंप्यूटर सर्वर सिस्टम फाइल सर्वर सिस्टम भी इसी का हिस्सा है। पेयर टू पेयर में आपके एक पीएक्स से ज़्यादा जो है आपस में क्लाइंट आपस में कनेक्ट होते हैं और आपस में डाटा को ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। ये सारी ट्रांसमिशन जो हो रही होती है वॉइस ओवर प्रोटोकॉल के जरिए की जा रही थी जिसमें नेपस्टर और यूनिटेला या स्काइप के जरिए ये सारी कंट्रोल की जा रही थी। वर्चुअलाइजेशन के जरिए बात करें, वर्चुअलाइजेशन की बात करें तो वर्चुअलाइजेशन में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक वक्त में रन करने के लिए आपको वर्चुअल मेमोरी प्रोवाइड करता है जिसे हम वर्चुअलाइजेशन का नाम देते हैं। इसमें इमोलेशन आ जाती है जिसमें आपका सोर्स जो CPU है वो डिफरेंट टाइप के साथ डिफरेंट टारगेट टाइप के साथ रन हो रहा होता है जिसे हम इमोलेशन या इंटरप्रिटेशन भी इसी के अंदर आ जाता है इमोलेशन के अंदर ही। उसके बाद स्लोएस्ट मेथड है, कंप्यूटर लैंग्वेज जो है नेटिव कोड के अंदर कंपाइल इसके अंदर नहीं होती। उसके बाद वर्चुअलाइजेशन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है CPU कंपाइल करने के लिए या
गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक मेमोरी प्रोवाइड करता है जिसे वर्चुअल मेमोरी का नाम देते हैं, और इसके लिए VMware आपका जो है रन किया जाता है, उसके ऊपर आपके गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम रन किया जाता है। ये वर्चुअल मशीन मैनेजर कहलाता है और यही वर्चुअलाइजेशन सर्विसेज प्रोवाइड करता है। वर्चुअलाइजेशन जो होती है एप्पल जैसे लैपटॉप में मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं, इस तरह से अगर वो विंडो को इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो वो VMware को इस्तेमाल करते हैं, विंडो इंस्टॉल कर लेते हैं। तो मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम हम इंस्टॉल कर सकते हैं VM को इस्तेमाल करते हुए। अब ये कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट दिया हुआ है जिसमें आपका प्रोसेसर हैं, कर्नल और हार्डवेयर के अंदर प्रोग्रामिंग इंटरफेस है। अब यही VMware के अंदर जब वर्चुअल मशीन मैनेजर आ जाएगी तो हार्डवेयर के ऊपर वर्चुअल मशीन मैनेजर इंस्टॉल हो जाएगी, उसके ऊपर फिर आपके VM1 VM2 VM3 मुख्तलिफ प्रोसेसेस क्रिएट होंगे और ये मुख्तलिफ कर्नल के जरिए कंट्रोल किए जाएंगे। उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग आ जाती है, ये तमाम जो सर्विसेज आपके नेटवर्क के ऊपर हो रही होती हैं आपकी, मतलब वर्चुअलाइजेशन की हम इसे कह सकते हैं, ये लॉजिकल एक्सटेंशन है, तमाम किस्म की जो नेटवर्क की सर्विसेज हैं उनको कंट्रोल कर रही होती है। इसके लिए अमेज़ॉन की उन्होंने एग्जांपल दिया कि 1000 सर्वर्स पर मुश्तमल होता है। इसके मुख्तलिफ टाइप्स हैं, पब्लिक क्लाउड है, ये इंटरनेट जो है आपका जो पे करके हम परचेज करते हैं। प्राइवेट क्लाउड है, ये कंपनी का एक महसूस होता है। हाइब्रिड क्लाउड पब्लिक और प्राइवेट बोथ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस SaaS जिसे हम कहते हैं, एक से ज़्यादा एप्लीकेशन जो इंटरनेट के ऊपर मुश्तमिल हों इसे हम SaaS का नाम देते हैं। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, जब यही सॉफ्टवेयर स्टैक एप्लीकेशन के तौर पर इंटरनेट के ऊपर इस्तेमाल किए जाएंगे तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस इस्तेमाल किए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, यही सर्वर या स्टोरेज जब अवेलेबल होंगे इंटरनेट के ऊपर इन्हें हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस या IaaS का नाम देंगे। कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट की बात करें, क्लाउड में इंटरनेट होता है आपका, फायरवॉल और लॉड बैलेंसर के जरिए ये मुख्तलिफ सर्वर्स को कंट्रोल किया जा रहा होता है और ये सारा क्लाउड मैनेजमेंट कमांड्स के जरिए कंट्रोल हो रहा होता है। कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट में रियल टाइम अगर एम्बेडेड सिस्टम की अगर बात कर लें, ये मुख्तलिफ कंप्यूटर्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, स्पेशल पर्पज़ होते हैं, लिमिटेड पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और इनके अंदर मखसूस टास्क जो हैं वो परफॉर्म करने के लिए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल किया जाता है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी ये भी रेयर हैं, सोर्स कोड इनका अवेलेबल होता है, आप उसी सोर्स कोड को इस्तेमाल करते हुए अपना ऑपरेटिंग सिस्टम जो इंस्टॉल कर सकते हैं। कॉपी प्रोडक्शन और डिजिटल राइट मैनेजमेंट ये उनका काउंटर हैं, मतलब आपको सारा कुछ फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। इसे हम GNU पब्लिक लाइसेंस का भी नाम देते हैं। ये आपका आ जाता है चैप्टर नंबर एंड हो गया 1, उसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर 2 हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट कल तक हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 भी उसकी भी वीडियो बना के अपलोड